अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ड्रेनिंग टैंक। ठीक है, होप के तुम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि जो आपको टॉपिक्स वगैरह सेंड कर दिए जाते हैं वो आप प्रिपेयर भी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि देखो, तुम लोगों ने पढ़ना तो अपने लिए पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ने का भी फ़ायदा तुम लोगों को ही है। ठीक है, तो मैंने तो टॉपिक अपनी कोशिश पूरी करनी होती है कि सेंड कर दो, क्योंकि मुझे पता किस तरह किसी तरह भी मैंने सेंड करना है, मुझे करना है मैंने, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जो ये मेरी ड्यूटी जो है ये ख़त्म होती है और उसके बाद आपकी शुरू होती है कि आपने पढ़ना है या नहीं। ठीक है, तो देखो, तुम लोगों का पिछला सेमेस्टर भी ऐसे ही गुजर गया था और इस सेमेस्टर में भी अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 12 को अगर वो कहते हैं 10 को आ जाएं और 12 को आपके उधर पेपर हो जाते हैं, तो फिर ये तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं लेक्चर ले रहे। ठीक है, तो ड्रेनिंग टैंक हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है, ठीक है, ड्रेनिंग टैंक, ये जो ड्रेनिंग टैंक है, यानी कि कुछ मॉडल्स हमें जब हमने किए थे 7 सेमेस्टर में, तो हमें इस तरह के मॉडल्स नहीं थे करवाए गए। ये ड्रेनिंग टैंक जो आपको मैंने करवाया, उसके बाद एक दो और मॉडल मैंने आपको इस तरह का करवाया जो हमने, यानी कि कल जो रेडियो एक्टिव सीरीज़ की थी वो भी हमें मॉडल नहीं था करवाया गया। ठीक है, तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ कि आपको चलो समझ आ जाए। ठीक है, आप ही का फ़ायदा नेक्स्ट जो है आपको प्रिपरेशन में आसानी होगी, अगर आप अगले किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो जो नॉलेज आपके पास होगा एटलीस्ट आपको वो तो यूज़ कर सकोगे। अगर आप टेस्ट में बैठे भी होंगे तो तब भी कुछ ना कुछ तो जहन में होगा। ठीक है, तो टोरिसेलिज इक्वेशन, इट इज़ स्टेट्स दैट द स्पीड वी बाई फ्लैक्स ऑफ वाटर। रिफ्लैक्स ऑफ वाटर क्या है कि जो वाटर फ्लो कर रहा है नीचे से, ठीक है, ये जो इफ्लेक्स ऑफ वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर इधर फ्लो कर रहा है ये आपके पास क्या है, इफ्लेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इफ्लेक्स ऑफ वाटर मतलब कि फ़्लो ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि अगर आप इस तरह कर लो कि बड़ा सा जो है वो ले लो, स्विमिंग पूल जो है, ठीक है, वो ले लो, तो उसमें से जब वाटर को साफ़ करना हो तो उसका वाटर जो है वो ड्रेन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ड्रेनिंग क्या होता है कि उसमें से जब वाटर ड्रेन हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है कि हमें ऐसे ही लग रहा होता है जैसे क्या है कि वाटर जो है बिल्कुल, यानी कि नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन वो स्टेडी फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, स्टेडी स्टेट होती है उसकी। ठीक है, तो टॉर्सलीज लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि जो स्पीड ऑफ वाटर है वी बाई इफ्लेक्स ऑफ वाटर, अफ्लेक्स ऑफ वाटर थ्रू अ शार्प एज्ड होल। ठीक है, ये शार्प एज्ड होल है, ठीक है, इधर से जो है वो स्पीड ऑफ वाटर है, ठीक है, एट बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड टू अ डेप्थ एच। ठीक है, इसकी डेप्थ क्या है, एच। ठीक है, ये जो डेप्थ है इसकी क्या है, एच। ठीक है, फिल्ड टू अ डेप्थ एच। ठीक है, अगर ये डेप्थ एच तक फिल्ड है तो इसके बाद आपके पास क्या है, फिल्ड टू अ डेप्थ एच इज़ द सेम एज अ बॉडी वुड अक्वायर्ड इन फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल वी जो है उसकी और उसकी सेम होगी जिस तरह कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही हो, ठीक है, एट हाइट एच। ठीक है, ये हमने मास बनाया, ठीक है, ये मास जो है, ठीक है, ये मास जो है ये क्या है, फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसकी और इसकी स्पीड जो वाटर ड्रेन हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स ऑफ वाटर है, इन दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये हम सेम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब जो स्काई डाइवर्स होते हैं वो ऊंचाई से काफ़ी ऊंचाई से जब छलांग लगाते हैं तो हमें ऐसे ही लग रहा होता है जैसे वो हवा में अटक गए हुए होते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां हमारे पास क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सेम। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको पता है कि जिसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होते हैं, सेम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होते हैं, सेम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लो, या इसको आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि एट सम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें पता है एम जी एच है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ असल में बताया गया है कि कोई बॉडी, यानी कि अगर कोई ड्रॉप ऑफ वाटर है, ठीक है, वो अगर फ्रीली फॉल कर रहा है और ये जो ड्रेनिंग हो रही है टैंक में से वाटर की, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ये इफ्लक्स, एफ्लक्स जो है वी, यानी कि एफ्लक्स की जो स्पीड वी है और ये जो फ्रीली फॉल कर रहा है ड्रॉप ऑफ वाटर, कंसीडर कर लो इस केस में,
इन दोनों की स्पीड क्या होगी सेम, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स पे आपके पास क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाती है। तो इधर हमारे पास एम जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम जी एच क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें एम एम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टू जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, ठीक है। टू जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच, ठीक है। तो ये वो वेलोसिटी होगी, यानी कि जिधर आपके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम, ठीक है। ये वो वेलोसिटी होगी, यानी कि जिधर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे, सेम। यानी कि यही हम ऊपर कहना चाह रहे हैं कि क्या होगी कि जो ड्रेनिंग ऑफ वाटर है और जो फ्रीली फॉल कर रही है बॉडी, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उन दोनों की सॉरी वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। उन दोनों की क्या होगी, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यही वेलोसिटी सेम कब होगी, जब आपके पास क्या है कि वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच है, ठीक है। इट मीन्स डैट बोथ हैव दिस वेलोसिटी, ठीक है। जिसका मतलब है कि दोनों के पास ये वेलोसिटी, अजम्पशन में अब आ जाते हैं, एज्यूम हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। सपोज अ टैंक इज़ फील्ड विद द वाटर इज़ अलाउड टू ड्रेन थ्रू अ होल अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो वाटर से फिल है ये टैंक, ठीक है, और इसका जो वाटर ड्रेन कर रहा है वो होल से है, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के एक्शन के अंडर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर रिमेनिंग इन टैंक एट टाइम टी, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है रिमेनिंग इन एट टाइम टी, हमने ये फाइंड करनी है, ठीक है। ये फ़र्ज़ कर लो डेप्थ से कम हो रही है, ठीक है। एट टाइम टी पे हमने क्या फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर हमने इसमें कंसीडर करनी है। तो डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसमें नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर, कंसीडर हम क्या करते हैं कि ए एच, ए एच क्या है, एरिया ऑफ होल, जो कि किस में होगा, फिट स्क्वायर में, ठीक है। ए एच आपके पास क्या है, एरिया ऑफ होल, जो कि क्या है, फिट स्क्वायर में, ठीक है। ये हमने ए एच स्मॉल सा लिया हुआ है ये, ठीक है, ये ए एच है जो कि आपके पास क्या है, फिट स्क्वायर में, ठीक है, एरिया ऑफ होल, ठीक है। और वी आपको पता है ऑलरेडी आपने कंसीडर कर लिया हुआ है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी और जो ड्रेनिंग है उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम। तो वो कब सेम होती है, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच, वेलोसिटी ऑफ ड्रेनिंग वाटर, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीविंग पर सेकेंड, तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, वी इज इक्वल टू ए एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच, ठीक है। अगर वॉल्यूम जो है वो टाइम का फंक्शन हो, यानी कि देखो ना वाटर जो है वो क्या है, टाइम के लिहाज से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ड्रेनिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, वाटर जो है वो टाइम के लिहाज से ड्रेन हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये टाइम टी पे था और इधर फर्ज़ कर लो टाइम टी प्लस डेल्टा पे था, ठीक है। तो क्या है, वॉल्यूम जो है वो टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, टाइम टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ए एच आपके पास क्या है, एरिया ऑफ होल, ठीक है। ए एच आपके पास क्या है, एरिया ऑफ होल, और वी आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच, वेलोसिटी ऑफ ड्रेनिंग के। अब जो वॉल्यूम आपके पास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, ए एच इंटू वी, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ए एच आपके पास क्या होगा, इसमें जो ड्रेनिंग है, ठीक है, ए एच इंटू वी होगा, तो चूंकि इसमें ड्रेनिंग हो रही है तो इसलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है। नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, ड्रेनिंग को, ठीक है। तो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच, ठीक है। यानी कि जो वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है वो आपके पास ये होगी, ठीक है। अब वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग, नो हम अब सपोज कर लेते हैं कि क्या है कि इफ़ अ हाइट एच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि अगर आपके पास जो हाइट है वो टाइम का फंक्शन बन जाए, क्योंकि देखो ना कि क्या है कि ये जो हाइट है ये भी तो टाइम के साथ ही डिक्रीज़ हो रही है ना। वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो टाइम के साथ हाइट भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो एज जो है वो क्या हो जाए, वॉल्यूम का फंक्शन हो जाए, ठीक है। अगर वो क्या, ओ सॉरी, एज जो है वो टाइम का फंक्शन हो जाए, ठीक है। एज जो है वो क्या हो जाए, टाइम का फंक्शन, ठीक है। एंड वॉल्यूम कैन बी रिटन एज, फिर हम वॉल्यूम को इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी ऑफ टी इज इक्वल टू ए
ए मल्टीप्लाई बाई एज, ठीक है। अब वॉल्यूम का आपको पता है कि वॉल्यूम आपके पास जो होता है वो क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो इसमें हाइट आपके पास ठीक है वो है जो टैंक की हाइट है, यानी कि जो ड्रेनिंग की हाइट है, ठीक है। तो ए डब्ल्यू आपके पास क्या है, एरिया ऑफ वाटर, ठीक है। एरिया ऑफ वाटर, इसमें एक चीज़ आप कंसीडर करो कि एरिया ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ये जो टर्म होगी ये कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। ये टर्म आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट ही ये टर्म रहेगी, तो ए डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ अपर फेस और वाटर, ठीक है, या वाटर का होगा जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डब्ल्यू इंटू डी एच ओवर डी टी, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट था एरिया ऑफ वाटर, एच हमने कहा हुआ है कि फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम का, ठीक है। एच आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि हाइट जैसे जैसे क्या हो रहा है कि टाइम टाइम के साथ क्या हो रहा है, हाइट आपके पास क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो वो यानी कि कुछ केसेस में इंक्रीज़ भी होती है, कुछ में डिक्रीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन हाइट आपके पास टाइम का फंक्शन है, ठीक है। ए डब्ल्यू आपके पास क्या है, एरिया ऑफ वाटर, ठीक है, एरिया ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो होता है एच, आपने सेकेंड ईयर के मैथ में जो था फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था जिसमें आप एच को टाइम का फंक्शन बता रहे थे, तो वेलोसिटी या हाइट फाइंड कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 में ये दिया हुआ है, ठीक है। वेयर डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या है, डी वी ओवर डी टी हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, वो क्या है, माइनस ए एच इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 GH, ठीक है। तो इधर डी वी ओवर डी टी की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डी वी ओवर डी टी की जगह क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो माइनस ए एच इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 GH इज इक्वल टू ए डब्ल्यू डी एच ओवर डी टी, ठीक है। तो डी एच ओवर डी टी हम इसमें से कंसीडर कर लेंगे, तो डी एच ओवर डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए एच स्क्वायर रूट ऑफ 2 GH ओवर ए डब्ल्यू, ठीक है, ए डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अगर हाइट का फंक्शन हो, ठीक है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी चैप्टर वन में ही दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर वन जो है उसको आप करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास होगा डी एच ओवर डी टी इंटू इज इक्वल टू माइनस ए एच ओवर ए डब्ल्यू इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 GH, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें नीचे उसने कहा हुआ कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट डैट 10 रिमेंस वैलिड इवन वैन ए डब्ल्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, यानी कि ये तब भी वैलिड रहता है जब आपके पास क्या हो, ए डब्ल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट ना हो, ठीक है। ये इक्वेशन तब भी वैलिड होती है जब ए डब्ल्यू आपके पास यानी कि कांस्टेंट ना हो। इन दिस केस वी मस्ट एक्सप्रेस द अपर सरफेस एरिया ऑफ वाटर एज अ फंक्शन ऑफ एज, यानी कि हम उसको क्या कह सकते हैं कि ए डब्ल्यू ऑफ एज हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, ए डब्ल्यू ऑफ एज उसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपने क्या करना है कि सी प्रॉब्लम 14 इन एक्सरसाइज 1.3, ये जो प्रॉब्लम 14 है एक्सरसाइज 1.3 में, ये आप सब ने मुझे कल सबमिट करवानी है, ठीक है, सॉल्व करके, ठीक है, प्रॉब्लम 14 इन एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। तो ये आपने मुझे सॉल्व करके सबमिट करवानी है, कल मुझे चेक करवानी है, ठीक है। तो सीरीज सर्किट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सीरीज सर्किट आर सी सीरीज सर्किट या RL सीरीज सर्किट, ठीक है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो I है वो आपके पास क्या है, करंट, ठीक है। आई आपके पास करंट है, एल आपके पास क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है। एल आपके पास इंडक्टेंस है, जिनको फिजिक्स याद होगी वो इन चीज़ों को अच्छी तरह जानते भी होंगे, ठीक है। आई जो है वो करंट है, तो करंट आपके पास होता है कि इधर उसने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि करंट आपके पास क्या होता है, एल इज़ इक्वल टू डी आई ओवर डी टी, ठीक है। तो डी आई ओवर डी टी आपके पास क्या है, करंट का चेंज रेट है। तो आई आपके पास ऑलरेडी होता है वो डी क्यू ओवर डी टी, क्योंकि क्यू है फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। क्यू क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसलिए ये आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग ये देखो, ये हमारे फर्स्ट जो फर्स्ट ऑर्डर वाले मॉडल्स थे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो मॉडल्स थे वो तकरीबन एंड पे हैं अब, ठीक है।
ये सीरीज सर्किट होगा तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मॉडल्स का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये फॉलिंग बॉडीज़ भी हो चुका है हमारा मॉडल, ठीक है। फॉलिंग बॉडीज़ एंड एयर रेजिस्टेंस ये मॉडल भी हम कर चुके हैं, ठीक है। सस्पेंडिंग केबल वाला रह गया तो ये मॉडल भी हम, और ये लास्ट सस्पेंडेड केबल भी है, मैंने गौर नहीं था किया, ये सस्पेंडेड केबल भी मॉडल है आपका। और इसके बाद फर्टिलाइज हेड तो ये नहीं करना, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड केबल रह गया और आरसी सीरीज सर्किट या आरएल सीरीज सर्किट, ये हमारे पास मॉडल्स रह गए हैं, जस्ट टू मॉडल्स, ठीक है। तो ये कोशिश होगी हमारी कि कल ख़त्म हो जाए ये मॉडल्स वगैरह, ठीक है। तो ये मॉडलिंग का तकरीबन जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के तमाम मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं, सेकंड का भी हमने एक दो किया है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मॉडल्स तो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉडलिंग का आपका तकरीबन कोर्स जो है वो तकरीबन नज़दीक है, इसके बाद सिमुलेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश किया करो कि जो वीडियोस आती हैं उनको सुना करो, उनको समझा करो, क्वेश्चनिंग किया करो, ठीक है। तो जब आपने क्वेश्चनिंग करनी है तो फिर मुझे भी पता चलना कि आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं क्वेश्चनिंग करनी तो मुझे कोई पता नहीं है कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस किया करो, ठीक है।